नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली के छोटे मगर अहम दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि यहां करीब 45 घंटे के अपने आवास के दौरान पीएम 20 कार्यक्रमों में भाग लेंगे और दुनिया के दिग्गज 20 देशों के ही समूह G20 के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा वे इसमें हिस्सा लेने वाले 10 देशों के प्रमुखों से सीधी मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि इसमें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। चूंकि G20 संगठन का अगला मुखिया भारत है और उसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही होने वाली है, तो इस लिहाज से पीएम मोदी की योजना बाली में ज्यादा से ज्यादा नेताओं से मिलकर उन्हें भारत आने का न्योता देने के लिए भी है। और पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे और G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को है। और विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया है कि शिखर सम्मेलन 3 सत्रों में होगा और पीएम मोदी इन तीनों सत्रों में दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ हिस्सा लेंगे। ये पूछे जाने पर कि पीएम मोदी की मुलाकात किन वैश्विक नेताओं से होगी, इसके जवाब में क्वात्रा ने बताया है कि इस बारे में संबंधित देशों के साथ बातचीत की जा रही है और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस मामले पर कुछ दूसरे कूटनीतिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रा के अलावा जर्मनी के चांसलर, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की बैठक तय हो चुकी है। और कूटनीतिक सर्किल में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ही वार्ता लेकर भी चर्चा है। और अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी एक दूसरे से मिलेंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामले में आज यानी सोमवार को ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के ही कम्युनिस्ट नेशन इंचार्ज विजय नायर और व्यवसायिक अभिषेक बोइनपल्ली को ही पूछताछ के लिए विरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि इन दोनों पर दिल्ली आबकारी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। ईडी नायर और इसके साथ ही बोइनपल्ली दोनों एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करेगी और उनकी हिरासत की मांग करेगी। ईडी ने दोनों आरोपियों को तिहाड़ जेल से हिरासत में लिया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद ईडी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई ने इससे पहले 27 सितंबर को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए नायर को गिरफ्तार किया था। और बता दें आपको कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर अन्य सह आरोपियों और शराब निर्माताओं और वितरकों के साथ हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के कई होटलों में हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन की व्यवस्था करने में शामिल थे। सीबीआई जांच से यह भी पता चला है कि बोइनपल्ली दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में शराब व्यवसायिक सहित मामले के अन्य आरोपित व्यक्तियों के साथ बैठकों में शामिल हुए थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक कथित वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीरथ सिंह रावत इशारों ही इशारों में अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में पूर्व सीएम रावत कहते दिख रहे हैं कि राज्य में बिना कमीशन के कोई काम नहीं कराया जा सकता। तीरथ सिंह रावत का ये वीडियो कब और कहाँ का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वे वीडियो में एक कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं और राज्य में कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे तो वहाँ सार्वजनिक कामों के लिए 20% का कमीशन दिया जाता था। और वीडियो में रावत कहते दिख रहे हैं कि अलग राज्य होने के बाद कमीशन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यह अभ्यास जारी रहा। हमने 20% कमीशन के साथ शुरुआत की। बता दें आपको कि उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन दिवस पर ही उपलक्ष में विद्यालय के बच्चों के द्वारा बाल दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान क्षेत्र के कई स्कूलों में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा स्टॉल लगाए गए और इसके अलावा विद्यालय के टीचरों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन पर आधारित जीवनी पर बच्चों के समक्ष विचार रखा गया और इस दौरान विद्यासागर विद्या मंदिर के प्रधान आचार्य धनंजय मंडल ने कहा कि प्रतिवर्ष बाल दिवस के उपलक्ष पर स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी के उपलक्ष में आज पंडित जी के द्वारा बताए गए बातों को बच्चों के समक्ष रखा गया और इसके अलावा बच्चों ने स्कूलों में स्टॉल लगाकर बाल दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। सितारगंज विधायक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा का समर्थकों द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया गया और जिला पंचायत सदस्य जावेद मलिक ने अपने समर्थकों के साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का जन्मदिन आतिशबाजी और केक काटकर मनाया और बड़ी संख्या में समर्थक वहां मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का जन्मदिन उनके समर्थकों द्वारा बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया है। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य पति जावेद मलिक द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों को इकट्ठे कर पहले किच रोड पर मौजूद अपने कार्यालय के बाहर आतिशबाजी कर केक काट कर जन्मदिन मनाया गया और उसके बाद सभी समर्थक कैबिनेट मंत्री के आवास पर पहुंचे जहां कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि उमा शंकर द्विवेदी की मौजूदगी में आतिशबाजी कर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के नाम का केक काट कर समर्थकों द्वारा बहुत ही उत्साहपूर्वक होकर जन्मदिन मनाया गया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की स्वास्थ्य लाभ और लंबी उम्र की कामना भी की गई है। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जन्मदिन का कार्यकर्ताओं ने द्वारा बड़ी धूमधाम से और अनोखे अंदाज में मनाया गया है। इसी कड़ी में रविवार को जरूरतमंद बुजुर्गों को कंबल वितरित किए गए हैं और वार्ड नंबर 5 में मौजूद टीचर कॉलोनी में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम सभा सद रवि रस्तोगी द्वारा किया गया है और जिसमें सर्वप्रथम उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा की लंबी उम्र की कामना करते हुए केक काटा गया है और मंत्री प्रतिनिधि की अगर बात करें उमाशंकर दुबे के साथ बीजेपी के पदाधिकारियों समस्त शिक्षकों ने कॉलोनी परिसर में ही सार्वजनिक रूप से केक काटा है और जिसके बाद जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सदस्य और इसके साथ ही सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि सेवा कैसे की जाती है ये मैं हमेशा कैबिनेट मंत्री बहुगुणा से सीखता हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब जनमानस के लिए मंत्री बहुगुणा मसीहा के रूप में कार्य कर रहे हैं, विधायक समाज के सच्चे हितैषी हैं और सभासद ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबी को नजदीक से देखा है और वो भली भांति उस परिस्थिति को समझते हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी का 40वां जन्मदिवस हमने जो है अपने वार्ड के टीचर कॉलोनी में शिक्षकों के साथ केक काटकर और बुजुर्गों को हमने जो है कंबल वितरित किए। मेरे साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष विजय सलूजा जी और सभी मंडल के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने बड़े ही धूमधाम से माननीय मंत्री जी का जन्मदिवस मनाया और हमारे क्षेत्र के विधायक और उत्तराखंड के यशस्वी मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के जन्मदिवस पर हमने उनके दीर्घ आयु की कामना भी। चमोली में 40 साल की महिला ने पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगाई है। कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत कोलसो बगोली गांव की महिला बताई जा रही है और सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान शुरू कर दिया है। और इसी खबर पर चमोली से संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर नेगी, जिस तरह से वारदात सामने आई है, महिला ने नदी में छलांग लगा ली है, पूरा मामला क्या है? पुष्कर
पुष्कर नेगी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि चमोली में महिला ने अलकनंदा नदी में छलांग लगाई है। अभी तक छलांग लगाने का कारण साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। जानकारी दे रहे हैं आपको चमोली से, जहां पर चमोली में 40 साल की महिला ने पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगाई है। और कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत कोलसो बगौली गांव की महिला जो है ये बताई जा रही है। और सूचना पर पुलिस और इसके साथ ही SDRF ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान फिलहाल शुरू कर दिया है। चमोली से पुष्कर नेगी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। जिस तरह से पुष्कर नेगी मामला सामने आया है, महिला ने छलांग लगाई है, आत्महत्या करने की कोशिश की है, क्या है पूरा कारण? बिल्कुल, देखिए कल का मामला ये है। कर्णप्रयाग जो पोखरी पुल है, यहाँ पे जो एक महिला ने, 40 वर्षीय महिला, इसने यहाँ पे पुल से जो है नदी में छलांग लगा दी। हालांकि SDRF NDRF लगातार जो है कल से जो है सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी घटना सामने नहीं आएगी जो उनका पता चल पाया, क्योंकि अलकनंदा नदी का बहाव और पिंडा नदी का बहाव इतना तेज है कि इसमें जब यदि कोई आदमी छलांग लगाता है डूब जाता है तो इसमें पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चमोली प्रशासन की अगर बात की जाए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या SDRF हो या NDRF हो, तमाम सारे लोग जो है अभी भी जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जो डेड बॉडी जो है मिल गई हो, लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू चल रहा है। और SDRF और NDRF की दोनों टीमें जो है, और गोताखोरों को भी यहाँ पे जो है RTBP रहती है, गोताखोरों से भी यहाँ पे मदद दी जा रही है। लेकिन अभी तक मृतका का जो महिला है, 40 वर्षीय जो महिला है, उसका भी कभी पता नहीं चल पाया है। जी पुष्कर नेगी जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पोखरी पुल से ये जो नदी है उसमें छलांग लगाई गई है, तो वहाँ पे कोई सुरक्षा की व्यवस्था देखी गई है या फिर वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि यदि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, पुल जो है मोटर पुल है, मोटर पुल के ऊपर जो है सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं आए दिन जो है महिला उत्पीड़न से लेकर या महिलाओं की पर जो अत्याचार किया जाता है उसको लेकर जो है महिलाएं जब हार जाती हैं तो ऐसा कदम उठाती हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पुल की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पुल पे है, लेकिन बाजार से दूर होने के कारण जो है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या SDRF या स्थानीय लोगों ने देर से देखा, लेकिन जब इस घटना सामने आई, जब पुलिस को दिया गया तो उसके बाद जो है सर्च अभियान जो है चलाया गया। लेकिन अभी तक जो है महिला का जो है अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि मोटर पुल है, मोटर पुल जो है पोखरी को जोड़ने वाला यह पुल है, तो मोटर पुल पे जो सुरक्षा व्यवस्था जो है चकाचौंध है। लेकिन जब किसी को छलांग लगानी होती है या कोई मजबूर होकर जब छलांग लगाता है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की क्या अहमियत रह जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है लगातार जो है खोजबीन कर रहा है, लेकिन अभी तक भी जो है महिला का जो है क्या शव जो है बरामद नहीं हो पाया। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई टिप्पणी इस पे सामने आई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो है अभी महिला का जो है पता नहीं चल पाएगी किस गांव की है, लेकिन टोकरी पुल से जिस तरह से जो यहाँ पे छलांग लगाए, लेकिन अभी छानबीन जो है पुलिस कर रही है। पुलिस ने जो है पूरे पोखरी वाला इलाका या पोखरी विकासखंड हो, चाहे आपका कर्णप्रयाग विकासखंड हो या गौचर वाला इलाका हो या आपका लंगासो वाला इलाका हो, यहाँ पे जो है पुलिस जो है लगातार जो है गश्त लगा रही है, छानबीन करेगी किस गाँव की महिला है। अभी ये जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन 40 वर्षीय महिला ने जिस तरह से जो सामने जो आंकड़ा आया वो अभी सामने, जिस तरह से पुलिस ने कहा कि 40 वर्षीय महिला है यहाँ से छलांग लगाई, लेकिन अभी गांव का नाम और इलाके का नाम अभी पुलिस पता नहीं कर पाई है, लेकिन अभी तक जो है सर्च अभियान जो है जारी है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्कर, और अहम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सह प्रभारी नीरज त्यागी ने आज प्रेस वार्ता की है और उन्होंने बताया है कि 14 नवंबर से 19 नवंबर तक कांग्रेस नरेंद्र नगर विधानसभा सीट अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, और जिसमें 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर गोष्ठी का ही आयोजन जो है वो होगा, जबकि 15 नवंबर को अंकिता भंडारी और इसके साथ ही किरण मामले में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, और 16 नवंबर को पूरे विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा रैली निकालकर कांग्रेसी लोगों को कांग्रेस की ही उपलब्धियां और भाजपा के नाकामियों को गिनाने का भी काम करेंगे। और आपको बता दें कि 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर तिरंगा रैली का समापन होगा, और कांग्रेस सह प्रभारी नीरज त्यागी ने सभी कांग्रेसियों से कार्यक्रम को सफल बनाने की भी अपील की है। माननीय करण मेहरा जी ने देवप्रयाग जिले की मुझे जिम्मेदारी दी है। 14 तारीख से
19 नवंबर तक नेहरू जी की जयंती से और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती तक हमने भारत जोड़ो यात्रा को ध्यान में रखते हुए राहुल जी के निर्देशन और समर्थन में हम इस प्रदेश में कार्यक्रम चलाएंगे 6 दिन के लिए। और उसमें सर्वप्रथम 14 तारीख को नेहरू जी की जब जयंती है उस दिन नेहरू जी के बारे में हम गोष्ठी करेंगे। नेहरू जी के जो विचारधारा थी, नेहरू जी के जो कार्य थे, जो उपलब्धियाँ थी इस देश के प्रति, उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और कार्यकर्ता हमारे घर के नेहरू जी की उपलब्धियों को बताने का कार्य करेंगे। मंगलोर कस्बे के मोहल्ला पीर घड़ी में बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट से घर की छत पर रखी पुराल में आग लग गई। और दरअसल आपको बता दें कि एक चिंगारी ने भयंकर आग का रूप ले लिया। आग लगने से घर में रखा हजारों रुपए का कीमती सामान जलकर राख हो गया है। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ मंगलोर से संवाददाता अकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक चिंगारी पूरे आग का गोला बन चुकी है और हजारों लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर खाक हो चुका है। जी देखिए, मंगलोर कस्बे के पीर घड़ी मोहल्ले की घटना है। बिजली खंभे पर एक छोटी सी चिंगारी आग का गोला बन गई और एक किसान का घर जो था, जो उसने खेत में जो पुआल ला रखी थी उसमें आग लगी। आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। आग को बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे फायर ब्रिगेड टीम को बुलाया गया, उसने आग पर काबू पाया और किसानों का तब तक हजारों का सामान जलकर राख हो चुका था। जी अखिल, जिस तरह से भयंकर आग बताई जा रही है, किसी के हताहत होने की भी कोई खबर सामने आई है क्या? देखिए, हताश तो कुछ ना है लेकिन जो किसान था, उसका घर था, उसमें जो सामान रखा था वो जलकर राख हो गया लेकिन किसी के हताश नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड टीम को मौके पर बुला गया, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन जो क्षेत्र में था वो हड़कंप मच गया था, काफी आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था लेकिन किसी हताहत नहीं हुआ है। जी अकील, जिस तरह से बताया जा रहा है कि किसानों का जो सामान था वो जलकर राख हो गया है, तो किसान लगातार क्या मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से? जी, जैसे कि हमारे उनसे बात हुई, किसान तो उनका ये कहना था कि जो सामान था उसकी काफी मेहनत से, जो खेत का सामान उन्होंने रख रखा था, पुराल मार्ग लगी थी, हजार रुपए का सामान जलकर राख हो गया था, इसकी गुहार उसने प्रशासन से लगाई है लेकिन मुआवजे की मांग लगाई है लेकिन कब तक मिलेगा ये कह नहीं सकते। लेकिन किसान ने आवाज उठाई है कि उसको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो बिजली का खंभा था वो सरकारी खंभे थे, चिंगारी भी लगी थी, इसकी वजह से आग लगी। जी अकील, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहाँ पे दमकल अधिकारी नहीं पहुँचे बल्कि जो स्थानीय लोग हैं, जो घर के लोग हैं, वही पानी की पाइप से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आग इतनी भयंकर थी कि विकराल रूप धारण कर लिया था। आग ने आसपास के जो क्षेत्र के स्थानीय निवासी थे, ग्रामीण थे, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया था लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया था। इसके बाद जो दमकल विभाग को सूचना दी गई, दमकल विभाग मौके पर पहुंची, तभी जाकर आग पर काबू पाया गया। जी अखिल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। हाईवे के किनारे खेत में अजगर मिला है और जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं अजगर देखने वाले की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम द्वारा अजगर को पकड़ने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तो आपको बता दें, मंगलोर से खबर है जहां पर अजगर देखने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें आपको कि खेत में अजगर मिलने की खबर सामने आई है और खेत में अजगर मिलने के बाद लोगों में दहशत साफ तौर पर देखने को मिली है। और इसके साथ ही जब तक अजगर को पकड़ा नहीं गया तब तक स्थानीय लोग घबराए हुए नजर आए हैं। और जो ये मंगलौर है, मंगलौर में खेत में ही ये अजगर मिलने की खबर सामने आई है। अजगर देखने वालों की भीड़ भी वहां पर देखने को मिली है। सूचना देने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद ही अजगर पर काबू पाया गया है। वन विभाग की टीम द्वारा अजगर को पकड़ने के बाद अब लोगों ने राहत की सांस ली है।
उत्तरकाशी में शनिवार को डीएम अभिषेक रुहेला ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक युद्ध स्तर पर निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं और मूलभूत सुविधाओं को सरल किए गए जाने और यात्रा को सुगम, सुलभ और सुरक्षित संचालन को लेकर जिला अधिकारी अभिषेक रुहेला ने मंदिर समिति के पदाधिकारियों, स्थानीय लोगों और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और इसके साथ ही यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ यमुनोत्री पैदल मार्ग सहित जानकी चट्टी यमुनोत्री धाम में और आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्थाओं समेत अन्य निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है और वहीं गंगोत्री धाम में ठंड काफी बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि जिससे गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज का कहना है कि हमारी टीम द्वारा गंगोत्री से 2 किलोमीटर कनुखु बैरल वॉर्फ लाइफ निगरानी में अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी से खबर है जहां पर गंगोत्री धाम में ठंड का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है और वहीं गंगोत्री धाम में ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और जिससे गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज का साफ तौर पर कहना है कि हमारी टीम द्वारा गंगोत्री से 2 किलोमीटर कनुखु बैरल बर्फ लाइफ लाइन की निगरानी जो है अपना कार्य अच्छे से कर रही है। तो आपको बता दें गंगोत्री धाम में ठंड काफी बढ़ चुकी है और लोगों ने ठंड के प्रकोप को देखते हुए अपने घरों में अपने घर से ही अपने रजाई और कंबल निकालने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम में ठंड का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है और वहीं गंगोत्री धाम में ठंड काफ़ी बढ़ गई है जिससे गंगोत्री नेशनल पार्क इंचार्ज भी अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि निगरानी लगातार रखी जा रही है और गंगोत्री धाम में ठंड को देखते हुए सतर्क भी लोगों को रहने के लिए कह दिया गया है। भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ लग रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो रही है तो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बारिश हुई है। राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और नारकंडा और इसके साथ ही खड़ा पत्थर में हल्का हिमपात देखने को मिला है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी 3 घंटों में चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और मंडी कुल्लू शिमला के निचले इलाकों में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्ण अनुमान है और पर्यटक नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह से बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहा। मनाली में आज अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक दर्ज किया गया। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और रोहतांग में 8 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। मढ़ी में 1 फीट के करीब और गुलाबा में 4 इंच ताजा बर्फबारी सोमवार को दर्ज की गई है। खराब मौसम के चलते अटल टनल को पर्यटकों के लिए भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोलंग नाला के आगे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मौसम साफ होने के बाद अब आगे आएगी अनुमति जो है वो दी जाएगी। आपको बता दें कि मौसम साफ होगा उसके बाद से ही अब आगे जाने की जो लोगों को है अनुमति दी जाएगी। तो पहाड़ी राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मौसम बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और कहीं राज्य में ठंड बढ़ रही है तो कहीं पर दिन में गर्मी और रात और शाम और सुबह को ठंड देखने को मिल रही है। बता दें कि भारत के अलग अलग हिस्सों में मौसम का
मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्य में बर्फबारी हो रही है तो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्य में मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल रही है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बारिश हुई है। राज्य के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और नारकंडा और इसके साथ ही खड़ा पत्थर में हल्का हिमपात भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अब इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें आपको कि आगामी 3 घंटों में चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, मंडी और कुल्लू शिमला के निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्ण अनुमान है और पर्यटन नगरी यानी कि मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार सुबह से बारिश का जो बर्फबारी का जो दौर है वो लगातार जारी रहा है। मनाली में आज अधिकतम तापमान 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज किया गया है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और रोहतांग में भी 8 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। अगर बात करें मणि में तो मणि में 1 फीट के करीब और गुलाबा में 4 इंच ताज़ा बर्फबारी सोमवार को दर्ज की गई है और ख़राब मौसम के चलते अटल टनल को पर्यटकों के लिए भी बंद कर दिया गया है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। आपको बता दें कि सोलन नाला के आगे वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है और मौसम साफ होने के बाद ही अब आगे जाने की लोगों को अनुमति दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।